अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं मोहम्मद अबर टेक्निकल उर्दू की जानिब से आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से जीमेल की आईडी क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपने गूगल सर्च करते हैं। पहले गूगल को ओपन करना है। तो गूगल ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर अकाउंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मैनेज अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज ओपन हो चुका है। अगर आपने कोई पहले एग्जिस्टिंग बना हुआ है आपने वो ओपन करना है तो यहाँ पर आपने अपना जीमेल या फ़ोन नंबर लिखना है। तो उसके बाद अपना पासवर्ड लगाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। हमने न्यू क्रिएट करना है तो इसलिए हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम देते हैं, तो चलिए मैं अपना ही नेम देता हूँ। नीचे उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर मेल और नेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम चूज़ करना है, तो मैं यूज़र नेम रखूँगा देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है नहीं, तो मैं कोई और चूज़ करता हूँ। तो ये इस पर मान गया। अब मैं कोई पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर अपने अपना फ़ोन नंबर देना है। चलिए मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। और इसके बाद आपने यस आई एम पर क्लिक कर देना है। अभी एक मैसेज आएगा और वो कोड मैं एंटर करूँगा, तो देखें कि मैसेज आया कि नहीं। वो मैसेज आ चुके और इसे ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है और इंटर कर दिया। देख सकते हैं ऊपर मुझे मैसेज मैसेज भी आ चुका है और इसने ख़ुद ब खुद ही इंटर कर दिया है। नेक्स्ट पर क्लिक किया और मोर और आई एग्री पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं कि मेरा न्यू जीमेल बन चुका है। इसके बाद आपने पेमेंट मेथड में नो सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और देख सकते हैं अब आपका न्यू जीमेल बन चुका है।